क्स्ट क्वेश्चन एट विच टेम्परेचर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन आटम इज इक्वल टू दैट फॉर हाइड्रोजन आइटम ऑफ फर्स्ट लाइन लाइम ट्रांजिशन हमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये होती है थ्री बाई टू के टी ये डिस्कस होगा थर्मोडाइनेमिक्स में ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी बट ठीक है अभी हम क्वेश्चन आया है तो वी शुड नो कि काइनेटिक एनर्जी इज थ्री बाई टू के टी वेर के इज बोजम कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू होती है वन पॉइंट थ्री इन टू टेन की दें टू द पार माइनस ट्वेनि ठीक है या फिर के को हम बोलते हैं आर बाय एन गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कौन सी वाली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दिस इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ठीक है अब बोल रहे हैं किस टेम्परेचर पर ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगी हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन ट्रांजिशन में अब लाइमन ट्रांस फर्स्ट लाइन लाइमन ट्रांजिशन की कौन सी होगी जब एन वन वन होगा और एन टू टू होगा यही तो होगी ये लाइमन ये बामर फर्स्ट लाइन कौन सी आएगी लाइमन में टू से वन ठीक है तो टू से वन में कितनी एनर्जी होगी थर्टीन पॉइंट सिक्स जेड स्क्वायर वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायेयर ऐसे ही निकालेंगे डिफरेंस अब क्योंकि मुझे पता है कि फर्स्ट लाइन होती है माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स और जो सेकेंड लाइन है वो थी है माइनस थ्री पॉइंट फोर जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा टेन पॉइंट टू ई का ठीक है तो मुझे फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज आई ऑलरेडी नो द वैल्यूज तो आई वुड रेकमेंड कि एटलीस्ट फाइव सिक्स तक एनर्जी की जो वैल्यूज हैं एक पर्टिकुलर शेल की अगर वो याद होती है ना तो क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा ठीक है आप अननेसेसरीली इस क्वेश्चन इस कैलकुलेशन से बच जाओगे ऐसी कोई टफ वैल्यूज़ नहीं है जो याद ना हो हम चार बार बोलेंगे तो मे भी शायद याद हो जाएंगे तो थर्टीन पॉइंट सिक्स एंड थ्री पॉइंट फोर इनका डिफरेंस कितना है टेन पॉइंट टू यानी फर्स्ट लाइन जो आएगी लाइमन ट्रांजिशन की वो किस एनर्जी डिफरेंस के साथ आएगी टेन पॉइंट टू ई तो हमें डायरेक्ट पता चल गया जो एनर्जी है वो कितनी है टेन पॉइंट टू ई फर्स्ट लाइन लाइमन ट्रांजिशन में ठीक है ओके okay. अब ये एनर्जी और ये एनर्जी क्या है आपस में इक्वल है बहुत अच्छी बात है तो दिस एनर्जी एंड द ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी इसको बराबर कर देता है अब ये जो आएगी ये किस में आएगी जूल में आएगी ठीक है और ये जो है हमारी ईवी में है तो इसको चेंज करना पड़ेगा मतलब टेन पॉइंट टू इंटू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन इज इक्वल्स टू थ्री बाई टू इंटू ए इंटू टेम्परेचर ठीक है वे टी इज़ टेम्परेचर यहाँ पे जो टी है हमारे पास दैट इज़ टेम्परेचर ऑल राइट टेम्परेचर निकालना है तो क्या करना है टू इंटू टेन पॉइंट टू इंटू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस नाइन्टीन अपॉन में थ्री इंटू वन पॉइंट थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस ट्वेंटी थ्री ठीक है इस पूरी वैल्यू को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा सेवन पॉइंट एट फोर ऑप्शन नंबर सी इंटू टेन टू द पावर फोर एल्वन ठीक है ये सॉल्व हो जाएगा कुछ रूट तो लेना नहीं है नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड एनर्जी जो है बेसिकली यहाँ पे क्या था कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल करना था हमें किस एनर्जी को लाइमन की जो फर्स्ट लाइन का कॉरिस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आती है उसके इक्वल ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आएगा के की वैल्यू अगर नहीं याद है तो आर जो होता है हमारा गैस कॉन्स्टेंट होता है उससे भी निकाल सकते हैं कैसे आर होता है एट पॉइंट थ्री वन फोर अपॉन में एन ए दे रखा है उन्होंने सिक्स इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री जब इसको भी करेंगे तो यही वैल्यू आएगी ठीक है तो दैट इज़ हाउ वी सॉल्व दिस